So let us start the class and you all are welcome here. We have here Nisha, Rajni, Jyoti, Bandana, Nidhi and Happy. Here we have Mr. Rohit and Farah. Okay. Hello, sir. All others welcome. Aur hamare bhi naye members se hum aapko milayenge ab. Okay. Starting from the very first physical education ke question ko lete hain. Uske baad aap apne subject related, personal, professional koi bhi question put up kariye. Welcome hai aap sab. Yes. Types of disabilities. नो सर क्या मुझे एनीबडी कैन आप खुद ही बताइए हाँ पढ़ा होगा आपने टॉपिक तो डिसेबिलिटीज हाँ जी मैडम डिसेबिलिटीज जो होती हैं वो आरडब्ल्यूडी के अनुसार डिसेबिलिटीज जो होती हैं वो आरडब्ल्यूडी के अनुसार पहले 7 थी लेकिन अब 21 हो गई ओके वो टाइप्स पूछ रहे हैं मैम कितने टाइप्स की होती है वो टाइप्स की तो मैं बोल रही हूँ चलिए आज हमारी दो स्टूडेंट्स का ब्रह्मस्त्र भी है भाई इंदु निधि का भी मैसेज आ रहा था सर ब्रह्मस्त्र दे दीजिए सर पर फोर डेज अगर दे दिया तो निधि स्लो लर्नर हो जाएंगे पढ़ना बंद कर देंगे इंटरव्यू की तैयारी कम कर देंगे ब्रह्मस्त्र कौन सा दिन होता है मैडम ये देखिए 7th डे को मिलने जा रहा है कैसा लगा पीडी क्लासेस पर अभी तक आपको सर ऑफलाइन में तो सभी को मिल गए ब्रह्मस्त्र से ज्यादा जरूरी हमारा एडवर्टाइजमेंट है वो सुन लीजिए हाँ जी कैसा लगा पीडी क्लासेस पर बहुत अच्छा लगा है जैसे कि मतलब हमें क्वेश्चन का आंसर पता था लेकिन उसे एक्सप्लेन कैसे करना है वो हमें मतलब नहीं पता था यहाँ आने के बाद सर जैसे उसे कैसे शुरुआत करनी है कैसे उसे मतलब एंडिंग देनी है उसके बारे में बहुत नॉलेज होगा और अभी सभी से इम्पोर्टेंट एक चीज आपके लिए है अभी आज ये गिफ्ट है आपके लिए उसका नाम क्या ब्रह्मास्त्र हाँ जी तो उसका अवेट हो रहा है और चलिए अब क्लास शुरू करते हैं ओके बिल्कुल सबको मिल जाएगा भाई आप मैसेज जरूर करना ऐसा नहीं हो आप अवेट करें 2 days बिफोर आप मैसेज जरूर करना 15 से हम लोगों के इंटरव्यू हिंदी वालों के सर कब मिलेंगे कब तैयारी करेंगे हम लोग वंदना जी वंदना जी आपकी इंटरव्यू जब खुद का जब इंटरव्यू हो ना उससे 2-3 days प्रायर आप इंटीमेट करिएगा ठीक है अब हम पढ़ाई कर लें अगर आप मौका दे दो हाँ हाँ सर मैं ये बता रही हूँ सर मेरे को 14 से निकलना है मुझे सफर करना है तो सर मैं कब करूंगी 15 को मेरा सर एमपी टेट वर्क 2 का एग्जाम है तो मुझे सफर बिल्कुल मैडम ये लाइफ सबकी ऐसी चलती है आप हमें 3 days प्रायर इंटीमेट कर देना आप ठीक है अब पढ़ाई करें हम अगर आप मौका दे तो सबको शुरू करें क्लास को जी सर चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस क्वेश्चन आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर से मेरा क्वेश्चन है फर्स्ट खेलो हरियाणा का शुरुआत कब हुई थी रजनी म्यूट आपका हाँ जी बोलिए सर 1932 में येलो हरियाणा मेबी येलो हरियाणा यस आई डोंट नो सर कब शुरू हुई थी मैडम हाँ जी बोलिए अगस्त 2021 में हुआ था बेटा थोड़ा जोर से बोला करें ठीक है आपकी वॉइस है ना कम जाती है किस में हुआ था मैम और कहाँ हुए थे सर अगस्त 2021 में कहाँ हुए थे क्षेत्र में सर कहाँ हुए थे कुरुक्षेत्र मैम कुरुक्षेत्र कहाँ हुए थे कुरुक्षेत्र मैम कुरुक्षेत्र में ओके सुन गया थैंक यू ओके ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन एनीबडी कैन आस्क हम लोग पूछे कुछ इंदु मैम से मेरी आवाज आ रही
मैम अगर मैं ड्राइंग की टीचर हूँ और कोई बच्चा है वो ड्राइंग का मटेरियल नहीं ला रहा है, ना ही वो कलर ला रहा है, ना ही ड्राइंग से स्केच बुक वगैरह तीन चार दिन से नहीं ला रहा है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में तो पहले मुझे ये, जी सर मेरी आवाज आ रही है? यस यस बोलिए। ओके सर, सबसे पहले तो मुझे ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे के घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर ऐसा मतलब वो घर से भी सक्षम है तब भी क्यों नहीं ला रहा है, दोस्तों से या उससे पूछना चाहिए कि क्यों नहीं ला रहा है, फिर इस समस्या का निदान निकालना चाहिए। यस सर, मैं ऐड करना चाहूंगी। यस प्लीज। पहले जैसे उससे बच्चे से पूछताछ करने पे अगर वो कोई भी रिस्पांस भी दे भी रहा है नहीं भी दे रहा, तो फिर हमें उसके पेरेंट्स को भी कॉल करके पूछना चाहिए। हम मटेरियल का मैसेज भी डालते हैं कि ड्राइंग के लिए ये मटेरियल आपको लेके आना है, और फिर आप बच्चे को देते हो या नहीं देते हो, पेरेंट्स उसका क्या रिस्पॉन्स देते हैं कि हम देते हैं? अगर वो देते हैं तो हमें बच्चे से पूछना है कि आप रास्ते में उसको फाड़ते हो या फिर गिराते हो, क्या करते हो, उसको वार्निंग देनी है। अगर आप घर से लेके आते हो तो आपको ये रास्ते में इसको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? अगर वो उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें मैसेज चेक नहीं किया या फिर हमने देखा नहीं, तो आप उनको बोलना कि आप मैसेज को चेक करके और जो भी मटेरियल होता है वो उसको देना है उसको। सर AI का मतलब बता सकते हैं आप लोग? रोहित अनम्यूट करिए, अब बताइए आप, ही इज कंप्यूटर स्टूडेंट। हाँ बताइए, शाबाश। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक लैंग्वेज प्रोसेसिंग, लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, जिसमें अगर कंप्यूटर ऐसे प्रोग्राम किए जाती है कि वो खुद ही, वो अगर कोई भी टॉपिक दिया जाए या सिचुएशन कोई भी टॉपिक, तो वो अगर एक बार उसके साथ हो चुकी है तो वो फिर से वो खुद ही वो मतलब कोई भी सिचुएशन को जैसे ह्यूमन लैंग्वेज को वो समझ सकती है। ओके, पीपल आर सेइंग इट्स जस्ट एन एटम बम, वॉरेन बफेट, इट्स नॉट लाइक एटम बम। जब अगर देखा जाए सर, जब सब मशीन जब रेवोल्यूशन हुई थी कहीं भी पूरे वर्ल्ड में, तो उस समय ये कहा गया था कि जॉब्स जो है ये तो मशीन जो पूरी मतलब ये खत्म हो जाएगी, तो उस समय कुछ साल हुए थे, दो से तीन साल हुए ये क्रिएशन, लेकिन फिर आफ्टर ऑल फिर सब सर सॉल्व हो गई थी। तो अगर मेरे अगर ह्यूमन बींग्स आर देयर, वी विल स्टार्ट टू टेक एडवांटेजेस फ्रॉम द एआई, बट इट विल टेक टाइम सर। नॉन स्किल्ड जो जॉब है केवल उनको ही रिप्लेस करेगा, स्किल्ड जॉब्स के लिए तो ह्यूमन बींग्स की जरूरत पड़ेगी। मैम जैसे अभी कहा जा रहा है, जैसे जो मेनली जो डेटा जो इंजीनियरिंग है, तो ये डेटा को जो एआई है ना बहुत अच्छे से वो रिसर्च भी खुद ही कर रही है, तो जो जो डेटा इंजीनियरिंग के लिए जो कुछ दिन पहले हम लोग सुन रहे थे कि डेटा एनालिसिस के मतलब बहुत डिमांड है, तो देखा जा रहा है कि जो चैट जीपीटी है एआई जो भी जो मॉड्यूल बने हुए हैं, तो वो उन लोगों को इफेक्ट अभी कर रही है। तो अभी देखा जा सकता है अमेजन भी हुआ, बहुत सारे जो है ऐसे कंपनी अभी बहुत फायर भी किए हैं एम्प्लॉय को, लेकिन वो धीरे धीरे ये होगी कि वो मतलब कैपेबल हो जाएंगे किससे यूज किया जाए उसे। यस क्वेश्चन सर, मेरा आप सभी से क्वेश्चन है कि आप जब क्लास में पढ़ा रहे हो उस टाइम कोई बच्चा ज्यादा ही शरारत करता है और आपसे मिसबिहेव करता है, और उस टाइम आपको भी गुस्सा आ जाता है और आप उसे चांटा लगा देते हो, जबकि फिजिकल पनिशमेंट की परमिशन नहीं है, और वो बच्चा प्रिंसिपल के पास चला जाता है, तो वहां पर आप अपना पक्ष कैसे रखोगे? सर सबसे पहले हमें ये चीज बताई जाती है कि हम सर हम बच्चे को हमें इतना मतलब अपना अपन नहीं खोना है कि हम गुस्से में बच्चे को मार दें, हमें अपने खुद पे ये कंट्रोल रखना है कि हमें बच्चे पे हाथ नहीं उठाना है किसी भी एंगल में, किसी भी सिचुएशन में, हमें चाहे कितना भी गुस्सा आए कि हमें किसी भी सिचुएशन में बच्चे पे हाथ नहीं उठाना है। दूसरी बात, वो शरारत पे शरारत किया जा रहा है, आप उसको वहां से उठा के आप उसको फर्स्ट बेंच पे उसको बिठा सकते हो, और फिर भी अगर वो फर्स्ट बेंच
पे मतलब शरारत कर रहे हैं तो उसको बोर्ड के सामने आप खड़ा कर सकते हो और उससे कुछ वर्क करने को दे सकते हो, जिससे वो शरारत भी उसकी कम होगी और वो सीखने की भी कोशिश करेगा। क्वेश्चन ये है कि बाई चांस हो गया, आपसे चांटा लग ही गया और प्रिंसिपल के पास मैटर पहुंच गया, वहां पर पक्ष रखना है आपको। सर अगर पास मैटर गया है तो आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि मैम या सर फर्स्ट एंड लास्ट मेरी ये गलती है और आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि मैं किसी भी बच्चे पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। आपसे गलती हुई तो वहां पे आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि मुझसे हुई है, ये नहीं कि नहीं मैंने ये नहीं किया और ये मुझसे नहीं हुआ, ये नहीं करना है। अगर आपसे हुई है तो आपको एक्सेप्ट करना है, उसके बाद प्रिंसिपल मैम क्या एक्शन लेती है वो उनका काम। जी मैम बोलिए। ये जैसे हम NEP 2020 की बात करते हैं तो इसमें ये बोला गया है कि ये जो SDG 4 था ये उसके अंदर लाई गई है, तो आप बता सकते हो कोई मुझे इसके बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 4 एक्चुअल में है क्या, जिसकी वजह से चेंजेस हुए हमारी, ये चेंज हुई है पूरी एजुकेशनल पॉलिसी। सॉरी मैम इसके बारे में तो मुझे तो नॉलेज नहीं है। आपने कोई और बोला गया है? यस मैम मैं बोलूं, यहां पर ये बोला गया है प्रोवाइड इक्विटेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू एवरीवन, एवरी चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 14 शुड गेट द क्वालिटी इन इक्विटेबल एजुकेशन। मैं ये पूछ रही थी SDG क्या है, ये SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें टोटल 17 गोल्स आते हैं और उसमें जो गोल 4 है उसमें ये बोला गया है कि इक्विटेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन लेने की बात की गई है हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को, और इसी के तहत हम लोग अपना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मेरा एक सवाल फिजिकल एजुकेशन से है, इंजरी कितने प्रकार की होती है? इंजरी 2 टाइप्स की होती है सर। कौन कौन सी? ये तो नहीं पता। यस नेम देम टाइप्स ऑफ इंजरीज बताइए, जितने याद रहते। नेक्स्ट कोई भी? हाँ जी टाइप्स बताइए, एनीबडी एल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन सर मूक के बारे में बता सकते हैं? मनीषा मैम नहीं है क्या वो? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के बारे में हम कुछ बात करते हैं, ये क्या होता है एक्चुअली? मैम ये जो पत्राचार के माध्यम से जो शिक्षा होती है जो मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है, तो उसके लिए ये कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए एक वेबसाइट है। अच्छा मैम ये केवल ओपन स्कूलिंग वाले बच्चों के लिए, मतलब जो हमारे पास बच्चा एनरोल है केवल उसके लिए है? यस मैम मेरे ख्याल से शायद। ठीक है मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आरक्षण पॉलिसी है जो रिजर्वेशन पॉलिसी, वो जो में सही है या गलत है, या कहीं पर एडमिशन लेने में सही है या गलत है? एनीबडी वांट टू आंसर? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? आरक्षण सर किस चीज में आरक्षण? इन जॉब्स में या स्कूल एडमिशन में भी आरक्षण दिए जाते हैं, कॉलेज की सीटों में भी आरक्षण मिलता है, उसमें सही है या गलत है वो? सर देखिए हर चीज के दो पहलू होते हैं, वो उनके कुछ पक्ष सही भी होते हैं और कुछ पक्ष गलत भी होते हैं। आरक्षण जो हमारे देश में आजादी के पूर्व रखी गई थी तो इस मुद्दे को ध्यान में रख के की गई थी कि जो आर्थिक पक्ष है उनको कम से कम मध्यम वर्ग की श्रेणी तक पहुंचा दिया जाए फिर आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक हमारे देश में जो है, हालांकि सरकार की तरफ से यह हर स्तर पे कोशिश की जा रही है समानता लाने की, लेकिन अभी तक जिन उद्देश्यों को निर्धारित करके ये आरक्षण स्टार्ट की गई थी अभी तक उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। तो सर अभी जब तक इस उद्देश्य को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते मेरे ख्याल से तो तब तक तो सही है, लेकिन इसको जल्द से जल्द पूरा की जाने की कोशिश की जानी चाहिए हर स्तर पे सर। क्या आपको मैम लगता है
इसमें राजनीति आएगी, वो इस लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रही है इंडिया गवर्नमेंट, इसमें राजनीति हो रही है कहीं ना कहीं। और जो जनरल के स्टूडेंट है उनसे यह धोखा नहीं है कि 1947 को देश आजाद हो गया, उसके बाद आज तक आरक्षण ही चल रहा है, जबकि 10-15 साल के लिए ही बोला गया। सर सर मैंने पहले ही बताया कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, सही भी होता है गलत भी होता है। अगर उस जो उद्देश्य उस वक्त निर्धारित किए गए थे, निष्पक्ष होकर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, सभी को इसके लिए आगे आना चाहिए और कदम बढ़ा के इसके लिए इस प्रयास को मतलब सफलतापूर्वक लागू करना चाहिए, ताकि आरक्षण जो है समाप्त हो लेकिन उस उद्देश्य को हम प्राप्त कर ले जो भीमराव अंबेडकर या फिर अन्य संविधान निर्मात्रियों ने जो उसको तय किया था। ऐश्वर्या मैम, एक्रेलिक कलर के बारे में कुछ बताइए आप। जी हाँ, एक्रेलिक कलर सेंसिटिव कलर होते हैं, इनको ऑयल तथा वाटर किसी के साथ भी किया जा सकता है। और बाकी एक्रेलिक कलर ऐसे जैसे स्पैचुला या फिर चाकू से सीधे लगाए जाए तो उससे 2D चित्र धरातल पर 3D मतलब 3D का इफेक्ट लाया जा सकता है। मैम ये NCT क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। मैंने होता क्या एक्चुअली? ये होता है जैसे हमारा कोई BEd कोर्स है या BPed कोर्स है, उसको किस संस्था के द्वारा है ये क्या सर? प्लीज ऑडिबल लियो आप अच्छे से। सर ऑडिबल लियो प्लीज। हमारे टीचिंग के कोर्स है वो NCT के अंडर में आते हैं और इसकी स्थापना जो है 1995 में हुई थी। एक बेसिक स्टैंडर्ड बनाया जाता है टीचर के टीचिंग के लिए कि ये स्टैंडर्ड हमें बच्चों को पढ़ाने हैं ताकि आगे जाके वो टीचिंग में बच्चों को डिलीवर कर सके। जो भी शिक्षक शिक्षा से संबंधित जो भी नियम आते हैं वो NCT के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं और लागू किए जाते हैं, हर विश्वविद्यालय महाविद्यालय में क्रियान्वित किए जाते हैं NCT के द्वारा ही। आप बच्चों में एग्जाम का फिगर कैसे कम करोगे एग्जाम से पहले? स्ट्रेस जो होता है बच्चों में उसको आप कैसे हैंडल करोगे, उनको कैसे समझाओगे? स्ट्रेस को कैसे मैनेज करोगे? मैं ये पूछना चाह रही हूँ ड्यूरिंग एग्जामिनेशन स्ट्रेस अगर बच्चे के अंदर है तो वो कैसे निकालनी है वो चीज जैसे एग्जाम में बच्चे का वही पूछते हैं ना, तो उसके जो एग्जाम का भय होता है उसको आप कैसे निकालोगे? आंसर स्ट्रेस बेसिकली टू टाइप का होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अगर वो इंटरनल है तो हो सकता है वो पॉजिटिव वे में रहे और एक्सटर्नल है तो हो सकता है वो नेगेटिव वे में जाए। अब ये टीचर को देखना है कि अब वो नेगेटिव वे नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर वो ओवर स्ट्रेस हो रहा है तो नेगेटिव में जा रहा है तो टीचर को देखना चाहिए। हाँ, तो उसको आप रिड्यूस करने के लिए क्या करोगे, निवारण करने के लिए बच्चे को क्या सलाह दोगी? जी मैम, मैं बताना चाहूंगी इसके बारे में। अगर सबसे पहले हमें जानने की कोशिश करनी है कि उसको क्यों प्रॉब्लम है, क्यों वो स्ट्रेस में है, कोई बच्चा है उसको परेशान कर रहा है या फिर घर से उसको कोई भी प्रॉब्लम है जिससे वो स्ट्रेस में, हम उसको जैसे वर्क के अलावा उसको कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी दे सकते हैं। आपको ड्राइंग करनी है या फिर आप योगा कर सकते, योगा आप ले सकते हैं उसको, थोड़ा सा योगा में आप उसको व्यस्त रखेंगे। एग्जाम है तो बच्चे को पढ़ाई से संबंधित या मैनेजमेंट से भी स्ट्रेस हो सकता है, या फिर जैसे ग्राउंड के लिए जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, आपको समझा सकती हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड किस टॉपिक में किस सब्जेक्ट में कहाँ प्रॉब्लम है आपको, और उसे प्रेरणा भी दे सकते। अगर आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, समझ के पढ़ा है, तो आप कोई परेशान मत हो, आप आराम से अच्छे से कर लेंगे और उसको मोटिवेट भी करते रहे थोड़ा सा। अगर उसने किया तो मोटिवेट करो, अरे वाह आपने तो बहुत अच्छे से किया है, वेरी गुड, आप तो कर सकते हो, ऑल इज वेल, वेरी गुड। तो उसे थोड़ा सा मतलब प्रोत्साहन करने से उसे थोड़ी सी ये होगी और वो फिर उसको स्ट्रेस से थोड़ा सा बाहर आएगा। कब हुआ था साई?
रजनी मैम, साई साई के बारे में आप क्या जानती है, कब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी और इसके चेयरमैन कौन है? साई के सर, ये पटियाला से स्टार्ट हुई थी सर, ये नहीं पता कौन से ईयर में हुई थी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियन। और इसके चेयरमैन सर ये 1982 में हुआ था मैडम। ओके सर, उसके चेयरमैन। मेरा हिंदी वालों से क्वेश्चन है, शब्द शक्ति क्या है? हेलो मैम, शब्द शक्ति क्या है? शब्द शक्ति मैम, सर 84 के बीच जो संबंध होता है उसको शब्द शक्ति कहते हैं। इसके द्वारा काव्य में अर्थ की प्रतीति होती है, जिसकी शब्द शक्ति के द्वारा ही हम उसके अर्थ को समझ पाते हैं और उसकी उसका रस स्वादन कर पाते हैं। सर आपने कितना ईयर बताया था उसका, कौन से हुआ था? 1984 okay, thank you sir। 1982 में हमारे देश में सेकंड टाइम एशियन गेम हुए थे और एशियन गेम में हमारे भारत की परफॉर्मेंस डाउन रही थी, तो इसको देखते हुए साई का गठन किया गया था 1984 में, और उसके अध्यक्ष जो होते हैं वो हमारे CWSN के बारे में कोई बता सकता है क्या? CWSN के बारे में आप में से कोई बता सकता है क्या? Pardon, they are asking again. CWSN, Children with Special Needs. मैम, Children with Special Needs का मतलब है जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं उनकी शिक्षा हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत देते हैं, क्लास में ही बच्चों को पढ़ाते हैं। और मतलब जैसे कि जो बच्चे शारीरिक रूप से, जैसे कोई शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से भी अगर वो अक्षम है तो उनको हम सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देते हैं। और इन बच्चों को मानसिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा कैसे दे सकते हैं? मैम, जो बुद्धि लब्धि में कमी, बहुत ज्यादा जो मतलब औसत बुद्धि से जो थोड़ा सा कम है उनको हम साथ में ले सकते हैं मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, वंदना मैम, महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार के लिए, किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया? महादेवी वर्मा यामा के लिए, यामा के लिए जी। यस सर, इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन में क्या फर्क है? सर इंग्लैंड तो एक कंट्री है और ग्रेट ब्रिटेन इसकी जो कॉलोनीज है उनको भी कवर करता है, जिसमें जैसे आयरलैंड हो गया आपका और आपका स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया आपका, ग्रेट ब्रिटेन, हम इन सबको मिक्स करके इन सबको ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं और इंग्लैंड एक कंट्री है। ओके मैम, एक बताओ कि संविधान है जो हमारा, इसे कहते हैं कि खरीदा हुआ है ये, जैसे रशिया से लिया है, अमेरिका से लिया है, इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से या ऑस्ट्रेलिया कनाडा से, तो आप इसके बारे में क्या कहोगे कि संविधान हमारा खरीदा हुआ है या डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है? सर संविधान जो हमारा बना है, खरीदा हुआ नहीं है, ये कंपाइल किया हुआ, हर जगह से लिया गया, इसे जो भी उसमें से जहां भी जो भी अच्छी बातें लगी जोड़ने लायक वो जोड़ा गया है उसमें, ये हमारे संविधान की खूबी है। हाँ, अभी सभी देशों से कुछ ना कुछ जो उन्हें अच्छा लगा वो उन्होंने ग्रहण करने लायक उसमें चीजें थी वो ग्रहण की हैं। ओके मैम, SMC का मतलब क्या है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है? लोकल MLAs होते हैं और इसमें टीचर्स भी शामिल होते हैं, और इसमें 50% जो शेयर होता है, पार्टिसिपेशन होता है वो फीमेल्स का होता है SMC में। रितु मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है। रितु मैम, हाँ जी, हाँ जी सर, रितु मैम, हाँ जी सर, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसमें आपको ये बताएं जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं?
सर जनरल सॉल्यूशन में जो हमारे पास सॉल्यूशन आता है उसमें हमारे पास एक कोफिशिएंट की वैल्यू आती है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब हमें कोई स्पेसिफिक कंडीशंस दी हुई हो जिसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दे तो हमें सी की एक स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाती है, तो इस तरह हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है जब हम सी की वैल्यू को उसमें पुट कर देते हैं। बेसिकली पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रहा है, जबकि जनरल सॉल्यूशन हमें एक तरह से एक कर्व प्रोवाइड करा रहा है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है विद द चेंजिंग वैल्यू ऑफ सी। मैम मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। हाँ जी सर बिल्कुल। मैम इसमें जनरल सॉल्यूशन हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और उसमें जितने भी डेरिवेटिव होंगे, जितने भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होंगे उसका जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास, जैसे y इक्वल टू कोई सॉल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इक्वल टू a इनटू साइन एक्स प्लस बी, यानी टोटल कॉन्स्टेंट कितने हैं, टोटल टू है, टू कॉन्स्टेंट है और उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव भी कितने, टोटल टू होगी, तो उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। और अगर जितने डेरिवेटिव होंगे जितनी पावर होगी डेरिवेटिव की उतने ही कॉन्स्टेंट होते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और कोई कंडीशन? कंडीशन ये होगी सर कि वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इरेशनल्स नहीं होनी चाहिए, ये दो ही होंगे। नहीं एक फाइनाइट भी होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए मैम, फाइनाइट भी होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। हाँ जी सर डिग्री के लिए फाइनाइट इज मस्ट। इंदु मैम पद के प्रकार कितने हैं, पद के अंतर्गत क्या क्या आता है? इंदु मैम कोई भी बता दीजिए हिंदी वाले, पद के प्रकार, पद में क्या क्या आता है? पद के अंतर्गत खंड काव्य है, महाकाव्य है, कविताएं हैं, और ये चंपू काव्य भी शायद पद के अंदर आ जाते हैं, ये चीजें आती हैं। ये मैम दो इनिशिएटिव शुरू किए थे गवर्नमेंट ने, निपुण एंड परख। ये जो निपुण था ये बेसिक लेवल के लिए था पूरी बात। हाँ तो ये परख के बारे में कोई बता सकता है का? ये जैसे ये भी एक असेसमेंट के लिए यूज हुआ है, तो ये कौन से क्लासेस को कवर करता है और इसमें और निपुण में बेसिकली डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों ही असेसमेंट के हैं। आप में प्लीज कोई बता देगा क्या? निपुण एंड परख। मैम परख जो है इसका फुल फॉर्म है मैम, इसका फुल फॉर्म जो है, मतलब ये आपको फुल फॉर्म पूरी तरह से मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये होलिस्टिक एडवांसमेंट के लिए एक ये जो है, मतलब इनको ऑल ओवर इनको क्या कहते हैं, चेक करने के लिए, उनकी बच्चों की जांच करने के लिए, प्रगति के जांच करने के लिए, और मतलब स्कूल में ये लागू किया गया है, चलाया गया है बरख को, और ये मेरे ख्याल से पूरे क्लास को मतलब 12th तक इसको कवर करता है। मैम कौन सी क्लास से शुरू होता है ये? मैम जब फाउंडेशनल स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज से मैम। तो मैम निपुण, निपुण फिर मैम निपुण प्ले स्कूल से बिल्कुल नीचे से, यानी कि बच्चा जब 3 साल का होता तभी से प्ले स्कूल से। मेरा एक सवाल है, टीचिंग मेथड कितने प्रकार के होते हैं और इनको क्लास के दौरान कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? टीचिंग मेथड्स सर आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे ना, टीचिंग मेथड तो जैसे अलग अलग सब्जेक्ट है तो अलग अलग टीचिंग मेथड्स का हम यूज करते हैं। फिजिकल एजुकेशन में बता दो ओवरऑल भी कुछ आप बता दो, नेम बता दो कुछ। Anybody want to answer or listen? सर टीचिंग मेथड तो सबके सर अलग अलग होते हैं ना, टीचिंग मेथड तो काफी कई टाइप से होते हैं। सही अपना नाम बताइए। नायडू सर जी, जैसे मैथ्स में आप किसी टॉपिक को इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों मेथड से कैसे पढ़ाओगे? एग्जांपल टू रूल पढ़ाएंगे ना। हाँ मैं सर ऐसे मतलब अगर आपको इंडक्टिव मेथड से पढ़ाना हो तो एक एग्जांपल दोगे क्या प्लीज? हाँ पहले एग्जांपल, जैसे हमें एग्जांपल, जैसे हमें ये करना चाहिए, सपोज करो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाना हमें,
डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहा है हमको, तो हम क्या करेंगे उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो अब तक आपने किया, सबसे पहले बच्चों ने क्या कि अब तक डिफरेंशियल किया ना, किया बच्चों ने, जैसे जैसे हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन बताइए क्या होता है, तो बच्चे बताएंगे कि dy / dx इक्वल टू cos x, तो ये एक तरीके से एग्जांपल हो गया। तो जो अब तक डिफरेंशिएशन अब तक जो करते हैं आप डिफरेंशिएशन, तो जो डिफरेंशिएशन होता है ना इसको ही करने के बाद जो इक्वेशन आपके पास बनती है ना उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एग्जांपल देगा किसी का भी एग्जांपल दे सकते हैं आप। और सर डिडक्टिव मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? जैसे हमारा इंडक्शन मेथड है, मैं इंडक्शन मेथड में तो हम क्या कहते हैं, इंडक्शन आपको पता है कि 2 और 3 5 होएगा, 2 और 3 क्या होएगा 5 होते हैं, हमको पता है, लेकिन हम क्या करें इसको इंडक्शन मेथड से इसको क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। कैसे कि जैसे n इक्वल टू 1 लेंगे, फिर n इक्वल टू 2 लेंगे, फिर ऐसे n इक्वल टू k के लिए मान लेंगे, फिर इसको n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए दिखा देंगे। जो मैथमेटिकल इंडक्शन बेसिकली होता है हमारा। जी, मतलब जी, सर रूल रूल दे देना, रूल को प्रूव करके दिखाना बच्चे को इस तरह से। तो हमें क्या करना पहले एग्जांपल टू बच्चे के लिए एग्जांपल टू रूल पे ही जाना है पहले इंडक्शन में। जी कंप्यूटर टीचर से क्वेश्चन है, बताएंगे ना उनको कंप्यूटर टीचर से क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के एडवांटेज तो बहुत है मगर डिसएडवांटेज बताएंगे कोई सर? इसके डिसएडवांटेज, इसके एडवांटेज तो बहुत है लेकिन इसके डिसएडवांटेज में मुख्य में 4-5 बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो है कि ये हमारी, हम इस पर अनुपयोगी काम बहुत कर सकते हैं, जैसे कुछ एंटरटेनमेंट की चीजें देख रहे हैं, फालतू कुछ देखते जा रहे हैं, जिससे अपना क्या समय भी बर्बाद होता है और हेल्थ इश्यू भी आते हैं। इसके अलावा दूसरा है कि लगातार कंप्यूटर को देखने से आंखों की रोशनी और पर ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। और सर तीसरा मेरा मानना है कि आदमी की सोचने और समझने की हर एक चीज वो कंप्यूटर की सहायता से करता है, तो अपना जो क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह है वो कमजोर होती जाती है। तो इंसान को ये भी है कि वो अपना काम थोड़ा सा अपना भी दिमाग यूज करे और उसका उपयोग करता रहे। इसके अलावा ये अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री में भी इसका दुष्प्रभाव है, क्योंकि बहुत सारे काम आजकल कंप्यूटर की सहायता से किए जा रहे हैं, जिससे क्या है कि बहुत सारा लेबर लेबर बहुत सारे काम कामों को रिप्लेस कर दिया गया है, जिससे बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हुए हैं। और इसके अलावा नए 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 क्राइम जैसे साइबर क्राइम और डिफरेंट टाइप के क्राइम भी इसके कारण उत्पन्न हुए हैं, जो भी एक देश के लिए भी समस्या उत्पन्न करता है और आम नागरिकों के लिए भी एक हानिकारक होता है। मैं इसी में ही ऐड करना चाहता हूं, एक तो कंप्यूटर पर कार्य करने से हेल्थ इश्यूज भी होती हैं, जिससे क्या होता है कि मोटापा भी, ज्यादा टाइम काम करने से मोटापा भी होता है उसके थ्रू, और हेल्थ में इशू ज्यादा ही होते हैं। एक सर बताना कि जैसे बच्चों को हम मोबाइल देते हैं और जरूरी भी हो गया कि एजुकेशन, कई बार सर्च करना पड़ता है उन्हें एजुकेशन के बारे में, तो हम कैसे कंट्रोल करें कि वहां पर कोई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि वो गलत रास्ते पर ना जाए, कोई गलत चीजें ना देखें मोबाइल में? सर अगर एज अ पेरेंट, सर मेरे को इस बारे में एक पॉइंट पता है वो मैं ऐड करना चाहूंगी, एज अ पेरेंट या टीचर का तो नहीं, एज अ पेरेंट अगर बात करें तो उसमें एक पेरेंटल कंट्रोल करके हमारे पास एक ऑप्शन होता है, तो हम बच्चों की जो सर्फिंग हिस्ट्री है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कि जो भी बच्चे के कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो उसके एक्सेस में नहीं होने चाहिए उनको हम पहले ही ब्लॉक कर देंगे, तो बच्चा अगर खोल भी रहा है तो उसके पास वो टॉपिक आएंगे ही नहीं, सर्च में ही शो नहीं होंगे। तो एज अ पेरेंट ये हमारे पास ऑप्शन होता है। बाकी सर प्लीज आप बता दो मेरे को, ये था कि ड्राइंग, बच्चों को ड्राइंग कंप्यूटर की हेल्प कैसे ले सकते, मोबाइल का जितना उपयोग कम मतलब कुछ समय के लिए, निश्चित समय के लिए देना ही चाहिए, उसके अलावा बाकी दूसरी जगह भी इसको दूसरे तरीकों का भी साथ साथ में उपयोग किया जाना चाहिए। ये जानना है आपसे कि बच्चों को कंप्यूटर का यूज कैसे कर सकते हैं कि बच्चे उसको इजी वे में सीख लें। मैम वापिस बोलिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी एक बार। सॉरी पता नहीं मेरा नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। विल यू टीच ड्राइंग टू स्टूडेंट्स थ्रू कंप्यूटर?
हाँ सर, आज के समय में ड्राइंग तो ड्राइंग का एक तरीके से नया रेवोल्यूशन आया है इस कंप्यूटर के कारण। अनेक प्रकार की ड्राइंग जो पहले की बहुत संसाधन जरूरत पड़ती थी उनका बहुत आसानी से अब कंप्यूटर में ड्राइंग बनाई जा सकती है और लोगों को सिखा भी सकते हैं। जैसे कि आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हो गए जैसे अडोबी के और पिकासो नाम के ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत इंसानों की जैसे जो रियल फोटो जैसे पिक्चर बनाई जा सकती है और उसका बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है। अभी हाल ही में नई एआई तकनीक के कारण तो पिक्चरों की ड्राइंग के अंदर तो एक दुनिया भर की सुनामी आ गई है जिसके अंदर एआई खुद जो उसको टाइप करके दीजिए कि ऐसा मेरे को फोटो चाहिए तो वो खुद बना के दे देता है। तो ये हो सकता है कि ड्राइंग स्किल के लिए मैथ टीचर से क्वेश्चन है कि पहाड़े सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है क्योंकि बच्चों को पहाड़े बहुत ही कम आते हैं। मैथ टीचर्स देन व्हाट्स अप क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। यस कमल जी सर, अगर हम उसको ना राइम की टोन में अगर हम टेबल्स को बच्चे को सिखाएं तो बच्चे जल्दी उसे ग्रैब कर लेते हैं चीजों को, तो हम ये ट्राई कर सकते हैं। नायडू सर, आप आईसीटी कैसे यूज करोगे मैथ्स क्लास में? हम एक तो अपन पीपीटी का यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ पीपीटी इज फ्रॉम मनोज सिंह। नायडू यू शुड आल्सो आंसर। और मैम कंप्यूटर का जो प्रोजेक्टर का यूज भी कर सकते हैं मैम। हाउ विल यू यूज आईसीटी ड्यूरिंग टीचिंग मैथमेटिक्स? हाँ सर, एक पीपीटी जैसे हम यूज कर सकते हैं किसी भी कंटेंट को बढ़ाने के लिए। पीपीटी के अलावा हम मतलब और क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम यूज कर सकते हैं मैथ्स को पढ़ाने के लिए? आप में से कोई गाइड कर सकते हैं? एपेक्स सर क्या पढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं? हाँ सर, नाम तो पता है लेकिन एग्जैक्ट में उसका पता नहीं है कि यूज कैसे करना है, किन टॉपिक्स के हम लिए हम यूज कर सकते हैं। ऐसे जैसे जियोजेब्रा है, जियोजेब्रा बहुत बड़े लेवल पे यूज होता है लेकिन उसे यूज कैसे करना है एक बार थोड़ा बता पाओगे कि अगर आपको पता हो तो इस बारे में? जियोजेब्रा तो मैं उसके लिए बना, जैसे हमारे पास एरिया निकालना हो, अगर जियोजेब्रा में सर हम फंक्शन के बारे में बता सकते हैं ना, जैसे एक्स की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू भी चेंज हो रही है, वो हम जियोजेब्रा से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एपेक्स में सर हम क्या, एपेक्स क्या सॉफ्टवेयर है क्या ये? एपेक्स 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 तो मैम ये होता है कि ये हमारे जो पहाड़ जो गिनती होती है ना, हमारी गिनती उसको सिखाने के लिए होता है मैम। नहीं सर, जैसे 11 12th की बात करें तो अपनी क्लासेस में आईसीटी की बात करें तो मतलब 11th और 12th में पीजीटी लेवल पे। हैव अ स्माइलिंग फेस एट द लास्ट मोमेंट्स प्लीज, हार्डली 5 सेकंड्स लेफ्ट विद अस एंड रियली गुड पार्टिसिपेशन फ्रॉम रितु, रजनी, वंदना, सरिता, कौशिक, नायडू, फरा, रोहित।